गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर भी रहे थे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसमें से हम लोग फर्स्ट स्टार्ट किए थे मोल्टन स्टेट में। तो जब हम लोग मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं तो उसके समय हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे। देन मैं आपको उसमें दो केस बताया था, एक तब जब हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट हो और एक तब जब हमारा इलेक्ट्रोड क्या चीज़ हो, रिएक्टिव हो। तो वो दोनों केस हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग फिर से वापस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो मोल्टन स्टेट वाला नहीं लेंगे, एक्वस स्टेट वाला लेंगे, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तक हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा था, मोल्टन स्टेट में था। अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कैसा होगा, एक्वा स्टेट। दैट मीन्स वो किसी में डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से ही। फर्स्ट हम लोग करते हैं एक्वस CuSO4 का यूजिंग, अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड से स्टार्ट करते हैं, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, राइट। इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए एक्वस CuSO4 का दिख रहा है आपको कि इस केस में आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस CuSO4 है। एक्वस CuSO4 दैट मीन्स व्हाट, कि CuSO4 आपका किस में डिजॉल्व है, वाटर में। दैट मीन्स जो हमारा बीकर होगा और उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होगा क्या चीज़, तो इट इज CuSO4। साथ में किस चीज़ में वो डिजॉल्व होगा, वाटर में, राइट। इधर हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स को लेंगे और उन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज के सोर्स से इस टाइप से क्या करते हैं, कनेक्ट। ये निगेटिव टर्मिनल तो इस पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव टर्मिनल तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये मैं आपको बता ही चुका था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है दैट इज बेसिकली कैथोड, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, क्योंकि इसी पर हमारा रिडक्शन होता है। जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज बेसिकली एनोड, क्योंकि इसी पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। इस केस में अब हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, दैट मीन्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन करना है कि प्रोडक्ट एक्चुअल में बनेगा क्या क्या चीज़। तो फर्स्ट तो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया दैट इज CuSO4, तो कॉपर सल्फेट, तो वो तो अपने आयन्स में ब्रेक करेगा। किस टाइप से ब्रेक करेगा, तो एक तो बनेगा Cu2+ आयन, एक बनेगा क्या, कौन सा आयन हमारा, SO4 2- आयन, राइट। तो अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहें कैथोड पे, कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, तो कैथोड बेसिकली इस केस में कैसा चार्ज है हमारा, कैसा इलेक्ट्रोड चार्ज है, निगेटिवली चार्ज। दैट मीन्स उस पर कौन सा वाला आयन आएगा, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन मतलब Cu2+ आएगा, तो Cu2+ निगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हाई डेंसिटी में होगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और वो न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज Cu2+ बेसिकली एक्वस, राइट। एक तो कैथोड पे ये रिएक्शन हमारा पॉसिबल है, जबकि मैं हमारा दूसरा यहाँ पे जो केमिकल स्पेसिस है दैट इज वाटर, तो वाटर का भी हमारा ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन वो भी पॉसिबल है। क्योंकि जैसे मैं पिछले केस में बात कर रहा था, तो पिछले केस में जैसे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट था, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट था, मोल्टन स्टेट में था, तब भी तो वो प्योर फॉर्म में था और उसके साथ कुछ भी हमारा डिजॉल्व नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन्स में ब्रेक करता था और वही ऑक्सीडाइज होता था एनोड पे और रिड्यूस होता था कैथोड पे। जबकि इस केस में हमारा इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस स्टेट में, दैट मीन्स एक तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा ही होगा, साथ में हमारा वाटर है वो भी ऑक्सीडाइज होगा और वो भी क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा, राइट। तो वाटर H2O के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो H2O से कौन सा गैस मिल जाए, हाइड्रोजन गैस मिल जाए, या फिर H2O से कौन सा गैस हम लोग को मिल जाए, ऑक्सीजन गैस, राइट। आप जूनियर क्लासेस में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े भी होंगे, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े होंगे कि एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें एसिड डाल करके, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है और कौन सा गैस मिलता है, ऑक्सीजन गैस। अगर मैं बात करूं कि वाटर से हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, +1 से 0 आ गया, मतलब रिडक्शन के ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब जब वाटर का रिडक्शन होगा तो कौन सा गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस। जबकि ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे 0, -2 से 0 मतलब बढ़ गया हमारा। दैट मीन्स जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा गैस मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस मिलेगा, ऑक्सीजन। तो वाटर विल रिड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड वाटर विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, राइट। तो कैथोड पे होता है क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन नहीं, कैथोड पे होता है
रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कैथोड पे एक दूसरा जो केमिकल स्पीसीज वाटर है वो कौन से गैस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस में कन्वर्ट होगा। मतलब एक रिएक्शन तो ये पॉसिबल है, साथ में एक और रिएक्शन ये भी पॉसिबल है कि वाटर जो लिक्विड स्टेट में है वो कौन से गैस को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब ये तो हमारा कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, तो इस कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे। ये आपको आना चाहिए, आप मेमोराइज भी बाद में कर लोगे, लेकिन शुरुआत में आप सीख लो कि कैसे इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। वाटर से या तो हाइड्रोजन गैस बनाना, नहीं तो वाटर से ऑक्सीजन गैस बनाना। थोड़ा सा उन लोगों के कंपेरिजन ये सब सिंपल सिंपल होता है, ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। देखिए एक्चुअल में H2O का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H2O विल बेसिकली ब्रेक इनटू H+ आयन एंड कौन सा आयन, OH- आयन, राइट, हमेशा ब्रेक करेगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कौन से आयन से मिलेगा, H+ आयन से, जबकि जो ऑक्सीजन गैस है वो कौन से आयन से मिलेगा, OH- आयन से। तो H+ आयन इससे हम लोग को मिलने वाला है हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस इससे मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस। तो कितना हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, वहाँ पे हाइड्रोजन न्यूट्रल है, इधर भी न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस पूरे रिएक्शन में क्या करवाएं हम लोग, अपनी तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करवाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करवाएं। और कितना मोल हम लोग H+ को ले रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ H+। जब 2 मोल्स ऑफ H+ ले लेंगे तो वो 2 मोल्स ऑफ H+ कहाँ से मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर से। और जैसे ही 2 मोल्स ऑफ वाटर है, मतलब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी बनेगा, क्लियर, क्योंकि 1 मोल ऑफ H+ है तो हाइड्रोजन गैस मिलने वाला नहीं है, 2 मोल्स इसकी जरूरत थी, तो इसके 2 मोल्स हम लोगों ने ली, तो इसके 2 मोल्स तभी मिलेगा जब हमारा वाटर का 2 मोल्स होगा और इसका 2 मोल्स होगा हाइड्रोक्साइड आयन का भी 2 मोल्स, राइट। अब हम लोग इस रिएक्शन में क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से ऐड किए हैं, राइट, ऐड किए हैं कि नहीं किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से ऐड किए हम लोग इस ओवरऑल रिएक्शन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से ऐड कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या किए, रिएक्टेंट साइड अपने तरफ से क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब क्या हुआ होगा, ये वाटर कन्वर्ट हो गया होगा 2H+ में और 2 हाइड्रोक्साइड आयन में, सिंस हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से डाल दिए उसमें, तो जो 2H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कौन सा गैस बना ले रहा होगा, हाइड्रोजन गैस बना ले रहा होगा। अरे हाँ या नहीं, क्या हो रहा था कि 2H+ क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कौन सा गैस बना ले रहा था, हाइड्रोजन गैस बना ले रहा था। तो अब तो हम लोग को उसमें H+ दिखेगा नहीं, क्योंकि जो 2H+ बना था वो इन 2 इलेक्ट्रॉन जो हम लोग डाले उसके साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस बना लिया, हाइड्रोजन गैस, और साथ में कौन सा आयन मिल गया, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि 2H+ 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH- है, तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस 2 कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो एटम्स भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, राइट। तो जब कभी भी कैथोड पे वाटर का कन्वर्जन हाइड्रोजन गैस में लिखेंगे तो ये रिएक्शन को लिखते हैं, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस और कौन सा आयन हमारा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर, होप आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट किए। सो ना, तो ये तो 2 रिएक्शन पॉसिबल है कैथोड पे। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो या तो हम लोग को कॉपर सॉलिड मिल सकता है, नहीं तो कौन सा गैस मिल सकता है प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे 2 प्रोडक्ट बनने के चांस है, या तो कॉपर आकर के डिपॉजिट होगा, नहीं तो हाइड्रोजन गैस इधर से इवॉल्व होगा, बाकी प्रोडक्ट तो बनेगा एक ही। तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो डिसाइड करना आपको आता है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जबकि अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, दैट इज एनोड, तो एनोड की बात करूँ तो एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैसा चार्ज होता है, तो इस केस में यह कैसा चार्ज होता है, दिस इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। तो इस पर कौन सा आयन आएगा हमारा, निगेटिव चार्ज वाला आयन, दैट इज सल्फेट आयन। तो SO4 2- आयन ये आएगा हमारा, और ये मैं आपको बता चुका था कि ये बेसिकली कन्वर्ट होता है S2O8 2- आयन प्लस रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही होगा हमारा, ये मैं आपको बता चुका था। और ये भी साथ में आपको बताया था कि ये रिएक्शन कभी भी ऑक्सीडेशन वाला पॉसिबल नहीं है जब इसके साथ में कोई दूसरा केमिकल स्पीसीज ऑक्सीडाइज होने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे हमारा फिर से वाटर हम लोगों ने ले रखा है, एनोड पे होता है क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन, तो वाटर ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, कौन सा गैस बनेगा, ऑक्सीजन गैस। दैट मीन्स सेकेंड रिएक्शन इज पॉसिबल कि वाटर से कौन सा गैस मिलने वाला है, ऑक्सीजन गैस। लेकिन फिर से ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। नाउ अभी हम लोग ने जस्ट देखा था कि H2O है तो वो बेसिकली ब्रेक कर रहा था H+ आयन में और कौन सा आयन में, OH- आयन में। अब जो OH- आयन है इसी से हमारा कौन सा गैस मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। O2 दैट मीन्स कितना हाइड्रोक्साइड आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। 2 हाइड्रोक्साइड आयन से O2 मिल गया, बाकी कितना हाइड्रोजन बच गया था, 2 हाइड्रोजन था, दैट इज 2H+। चार्ज को बैलेंस कीजिए, इधर में A1 हाइड्रोक्साइड आयन पे -1, 2 पे कितना चार्ज -2, इधर में 0, 1H+ पे +1, 2H+ पे कितना +2, उधर भी -2 करना है तो +2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो -4 +2 -4, दैट इज हो गया हमारा -2 हो गया।
राइट। अब हम लोग को कितना हाइड्रोक्साइड आयन लेना पड़ेगा, तो टू मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन का टू मोल्स चाहिए, दैट मीन्स एच प्लस का भी टू मोल्स और वाटर का भी कितना मोल्स, टू मोल्स। तो वाटर का टू मोल्स से हाइड्रोक्साइड आयन का टू मोल्स मिल जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन के टू मोल्स से कौन सा गैस बना, ऑक्सीजन गैस, प्लस क्या बना, टू एच प्लस, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन। और पहले से ये टू एच प्लस तो था ही, क्योंकि ये तो टू हाइड्रोक्साइड आयन का ना प्रोडक्ट है, दैट मीन्स प्लस में टू एच प्लस तो पहले से था ही, राइट। तो ये आपको समझ में आया कैसे हम लोगों ने ये रिएक्शन को कंप्लीट किया। नाउ अगर आप रिएक्शन में देखोगे तो ऑक्सीजन गैस टू एच प्लस, टू एच प्लस, तो इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं टू एच प्लस और टू एच प्लस को, तो ये कितना एच प्लस हो जाएगा, तो फोर एच प्लस, राइट। तो जब भी वाटर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है हमारा, तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो यही रिएक्शन होता है कि एच टू ओ गिव्स ऑक्सीजन गैस प्लस फोर एच प्लस आयन प्लस फोर इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि इन सारे रिएक्शन में से होगा कौन कौन सा रिएक्शन, राइट, क्लियर। तो अब हम लोग को फिर से, जैसे मैं पिछले केस में आपको बताया था कि जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन पे मोर देन वन रिएक्शन के होने के चांसेस होते हैं, देन हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा होने वाला है कौन सा होने वाला नहीं है। जैसे कैथोड पे होता है बेसिकली आपका रिडक्शन है, तो कैथोड पे हम लोग देखेंगे किसके पास रिड्यूस होने का नेचर ज़्यादा है। तो वो भी मैं आपको बताया था कि जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है उसके पास रिड्यूस होने का टेंडेंसी भी क्या होता है, ज़्यादा। जबकि एनोड की बात करूँ तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उसी के ऑक्सीडाइज होने का नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाउ तो हम लोग सबका पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कौन सा रिएक्शन होने वाला है कौन सा रिएक्शन होने वाला नहीं है। जैसे ये ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल सी यू टू प्लस टू सी यू, इट इज बेसिकली इक्वल टू 0.34 वोल्ट। कितने के इक्वल में होता है, 0.34 वोल्ट। यह हम लोग बार बार यूज कर चुके हैं। नाउ ई नॉट H2O से कौन सा गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो E नॉट H2O टू हाइड्रोजन गैस, H2O से हाइड्रोजन गैस, इसका हमारा होता है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -0.83 वोल्ट, इट इज माइनस ऑफ 0.83 वोल्ट। इधर में हमारा ऑक्सीडेशन है, तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि ये रिएक्शन होने वाले हैं नहीं, क्यों, क्योंकि इधर में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है हमारा, +6। और मैं आपको बताया था कि जब कभी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तब ऑक्सीडाइज नहीं होगा जब कोई दूसरा केमिकल स्पेसिस ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है। जबकि अगर ये केमिकल स्पेसिस नहीं रहता, अकेला का अकेला यही रहता, तब तो इसको ऑक्सीडाइज होकर H2O8 में कन्वर्ट होना पड़ता, बट इसके साथ अभी ऑप्शन है, मतलब ये रिएक्शन तो कोई हाल में ऐसे भी होने वाला नहीं है, चाहे इसका पोटेंशियल कुछ भी हो ये वाला रिएक्शन होगा। ऐसे में आपको पोटेंशियल भी बता ही देता हूँ कि कितना होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के टर्म्स में भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो पोटेंशियल की मैं बात करूँ तो SO4 2 माइनस H2O 2 माइनस का होता है -2.01 वोल्ट, दैट इज बेसिकली इक्वल टू E नॉट SO4 2 माइनस टू H2O8 2 माइनस, इट माइनस 2.01 वोल्ट, राइट, -2.01 वोल्ट, ठीक है। और वाटर का ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होने का होता है, वाटर का कौन सा गैस में कन्वर्ट होने का, H2O2 गैस में कन्वर्ट होने का होता है -1.23 वोल्ट। तो E नॉट H2O वाटर से कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, इट -1.23 वोल्ट, राइट, क्लियर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा रिएक्शन होने वाला है कौन सा रिएक्शन होने वाला नहीं है। जैसे कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में चेक करेंगे, पहले तो देख लेंगे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि नहीं, हाँ दिया हुआ है, ये +2 to 0 रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 to 0, दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में देखें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसके रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा, तो कॉपर और वाटर किसके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका 0.34, इसका -0.83, मतलब ये वैल्यू ज्यादा, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा ये रिएक्शन नहीं होगा, राइट, क्यों, इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, मतलब कॉपर के रिड्यूस होने का टेंडेंसी या नेचर ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू किससे, वाटर से, दैट मींस कॉपर आसानी से रिड्यूस हो जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में। जबकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, देख लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +6 से +7, -2 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसके ज्यादा उसी के पास ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज्यादा, तो इसके पास से वैल्यू -1.23, इसका -2.10, दैट मीन्स ये वैल्यू हाइयर है तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले से ही है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, फर्दर ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूँ सेल रिएक्शन की, तो सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के साथ ऐड कर देंगे, दैट इज ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो अगर मैं सेल रिएक्शन की बात करूं तो सेल रिएक्शन, तो ये सब तो हो नहीं रहा है तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, तो CU2+ दैट इन एक्वा स्टेट
इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग इक्वल कर देंगे। इधर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, इधर में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स उसको कितने से आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2Cu2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर में क्या चीज़ है प्लस 2S2O दैट इज इन लिक्विड स्टेट, इन प्रोडक्ट विल गिव 2 कॉपर सॉलिड, दैट मीन्स और कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, और कितना एच प्लस, 4H+, राइट, दैट इज इन एक्वस स्टेट। इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, दैट इज द ओवरऑल व्हाट, सेल रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या बनेगा नहीं बनेगा तो वो भी आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो। तो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एनोड पे प्रोडक्ट की बात करूँ तो एनोड पे क्या मिल रहा है हम लोग को, वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन गैस, तो एनोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होता हुआ दिखेगा, ऑक्सीजन गैस। जबकि अगर मैं कैथोड पे बात करूँ, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो ये रिएक्शन हो नहीं रहा है, ऊपर वाला रिएक्शन हो रहा है, मतलब कैथोड पे कौन सा क्या चीज मिल रहा है हम लोग को, कॉपर मिल रहा है सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट होता हुआ, राइट। तो आसान है ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टेन स्टेट वाले का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करते हैं, जबकि जब कभी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग एक्वस स्टेट वाले का, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट को भी कंसीडर करते हैं, साथ में वाटर का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला एक्सप्रेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। जब कभी भी वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन गैस बनाएगा, मतलब एनोड पे जब भी वो हम लोग रिएक्शन लिखेंगे वाटर का, तो वो हम लोग H2O गिव्स ऑक्सीजन गैस प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, कैसे ये रिएक्शन लिखे मैं वो भी आपको बताया। जबकि वाटर जब भी रिड्यूस करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो कैथोड पे जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। तो पिछला ही केस की तरह, जैसे पुराने केस में हम लोगों ने किया था कि जब हमारा इलेक्ट्रोड कैसा नेचर का हो जाता था, तो इलेक्ट्रोड हमारा रिएक्टिव हो जाता था, तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर देते हैं। तो इस केस में वही है कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर भी हमारा क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट, क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग करते हैं, तो ये भी कोई मतलब ये डिफरेंट केस नहीं है, यही भी हमारा वही है कि बस इसमें क्या करना है, एक्वस जैसे ही आ गया दैट मीन्स एक वाटर का भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, केस वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का क्या रिडक्शन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। जब प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा तभी तो हम लोग क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट कौन सा प्रोडक्ट का बनने वाला है नहीं बनने वाला है, राइट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आपको बताऊं कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए एक्वस, अभी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ ही करो आप, एक्वस K2SO4 का, या फिर आप करो एक्वस KCl का, राइट, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। नाउ फिर से सेम है, एक्वस KCl है, मतलब एक तो पहले KCl ये कैसे अपने आयंस में ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक करेगा K+ और कौन सा Cl-। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ ऑन कैथोड, तो कैथोड कैसा टर्मिनल होता है इस केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केस में पॉजिटिव टर्मिनल नहीं जी, निगेटिव टर्मिनल। तो इस पर कौन सा आयन अट्रैक्ट होकर जाएगा, पॉजिटिव वाला आयन, दैट मीन्स K+ क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे जाकर के गेन करेगा और न्यूट्रल K में हो जाएगा, दैट इज इन एक्वस स्टेट, और ये हमारा कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, +1 से 0। देखिए कैथोड पे रिडक्शन हो गया, साथ में एक्वस है दैट मीन्स वाटर होगा, तो वाटर का रिडक्शन वाला एक्सप्रेशन, तो वाटर हमारा रिड्यूस होकर के बनाता है हाइड्रोजन गैस, तो कैसे रिड्यूस होता है, तो H2O कितने इलेक्ट्रॉनों गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 मोल्स ऑफ H2O, कौन सा गैस बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है, कितने हाइड्रोक्साइड को रिलीज कर देता है, 2H-ion, क्लियर। ये दोनों रिएक्शन हमारा कैथोड पे पॉसिबल है। जबकि अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो एनोड पे भी आप आसानी से रिएक्शन लिख सकते हो। एनोड इस केस में कैसा चार्ज होता है, तो एनोड इस केस में कैसा चार्ज होता है बेसिकली, तो एनोड इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज। एनोड कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केस में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिवली चार्ज मतलब निगेटिव आयन अट्रैक्ट होकर के जाएगा, दैट मीन्स Cl- अट्रैक्ट होकर के जाएगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल क्लोरीन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, 2 -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइज हो गया, जबकि वाटर भी है एक्वस, दैट मीन्स वाटर भी है, दैट मीन्स वाटर का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, और वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस, तो 2H2O विल गिव ऑक्सीजन गैस
प्लस कितना एच प्लस, फोर एच प्लस, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन। अभी रिएक्शन को लिखना आपको बताया था ना। फिर से कैथोड पे दो रिएक्शन है, एनोड पे दो रिएक्शन, तो हम लोग पोटेंशियल के टर्म्स में चेक करेंगे किसका हमारा रिएक्शन होने वाला है, किसका रिएक्शन होने वाला नहीं है, राइट। जैसे के प्लस का अगर हम लोग पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल देखें, दैट इज बेसिकली -2.93 वोल्ट, तो ई नॉट ऑफ के प्लस टू के इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.93 वोल्ट। जबकि अगर इसकी मैं बात करूँ इनोस H2O से कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, तो ये अभी हम लोगों ने देखा ही था कि वाटर से अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन गैस की, इट इज़ -0.83 वोल्ट, तो इट इज़ -0.83 वोल्ट, राइट। जबकि इस केस में बात करें Cl- to Cl2 क्लोरीन का, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेक करें, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे फिर से भी बता रहा हूँ, हाँ, क्लोरीन का आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा -1.36 वोल्ट, तो ई नॉट Cl- to Cl2 दैट इज -1.36 वोल्ट। और जैसे कि इस केस में हम लोगों ने भी देखा था कि ई नॉट H2O से कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, दैट इज बेसिकली -1.23 वोल्ट आई थिंक, लेट मी वेरीफाई, या राइट -1.23 वोल्ट, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन होने वाला है, कौन सा रिएक्शन है। कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो चेक कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल +1 से 0, यहाँ पे क्या गया +1 से 0, दैट मीन्स हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तो आपको दिख रहा होगा कि पोटेशियम का -2.93, इसका हम 0.83, कौन सा बड़ा है हमारा, 2 वाला बड़ा है, नहीं माइनस साइन के साथ है, तो ये वाला वैल्यू बड़ा है, मतलब ये रिएक्शन कोई भी हाल में होने वाला नहीं है, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, राइट। जबकि एनोड पे बात करें तो देख लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है ना, तो ये हो गया -1 से 0 ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीजन का -2 से 0, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो फिर से चेक कर लेंगे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। नाउ इस केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है इसके लिए, मतलब ये वाला रिएक्शन हो जाएगा और ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो ऐसा ही हमारा हो जाएगा कि हमारा कैथोड पर कौन सा गैस मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, राइट। तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो कैथोड पे मिलेगा कौन सा गैस आपको, तो कैथोड पे मिलना है आपको नीचे वाला रिएक्शन हो रहा है ये वाला, अगर ये वाला रिएक्शन होता तो पोटेशियम मिलता है, तो मतलब हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे आपको कौन सा गैस मिल रहा है, तो एनोड पे मिल रहा है बेसिकली ये वाला रिएक्शन हो रहा है, मतलब कौन सा गैस मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन गैस, कौन सा गैस मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस, राइट। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस तो किए थे पोटेशियम क्लोराइड का, एक्वस पोटेशियम क्लोराइड का, मिल क्या गया, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करें या फिर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो वाटर से भी कौन सा गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस, और कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस KCl एंड वाटर बोथ आर द सेम, किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, राइट। होप आपको अब समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, राइट। जैसे अगर मैं नेक्स्ट आपको बोलूं कि आप कीजिए एक्वस NaCl का सोडियम क्लोराइड का यूजिंग इनॉट इलेक्ट्रोड, देखिए कैसे करेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले तो NaCl है हमारा, तो NaCl है, तो NaCl कैसे अपने आयन्स में ब्रेक करेगा, तो इट विल सिंपली ब्रेक इनटू Na+ आयन और कौन सा आयन, Cl- आयन, राइट। तो अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहें कैथोड पे, तो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैथोड कैसा चार्ज होता है, तो कैथोड इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, नो इट इज निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिव चार्ज, तो इसमें कटायन अट्रैक्ट होकर के जाएगा, दैट मीन्स Na+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, न्यूट्रल सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रिएक्शन तो ये पॉसिबल है। जबकि अगर मैं दूसरे रिएक्शन की बात करूँ, तो वाटर भी है, तो वाटर का कैथोड पर रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो H2O कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, कौन सा गैस बन जाता है, हाइड्रोजन गैस, कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दो रिएक्शन ये पॉसिबल है, राइट। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं,
तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ एन ए प्लस टू एन ए रिडक्शन पोटेंशियल है, इट इज इक्वल टू -2.71 वोल्ट। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ई नॉट ऑफ H2O2 हाइड्रोजन गैस -0.83 वोल्ट। राइट, ये दो रिएक्शन पॉसिबल है कैथोड पे। जबकि अगर मैं बात करूँ एनोड की कि एनोड पे कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, तो एनोड हमारा कैसा चार्ज होता है बेसिकली, तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें निगेटिव आयन अट्रैक्ट होकर के जाएगा, दैट मीन्स Cl माइनस, ये हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, एक तो हमारा वाटर भी है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन, तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो कौन सा गैस बनाता है, ऑक्सीजन गैस, कितना हमारा H प्लस, दैट इज 4H प्लस को रिलीज करेगा कितना इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो दैट इज बेसिकली ई नॉट सी एल माइनस टू सी एल टू, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, अभी जस्ट मैं लिखा था ई नॉट सी एल माइनस टू सी एल टू -1.36 वोल्ट, इट इज -1.36 वोल्ट। जबकि लिखूंगा अगर मैं ई नॉट एस टू ओ से कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, इट इज -1.23 वोल्ट। राइट, यही होता है हमारा। नाउ अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो देख सकते हैं, तो कैथोड पे दो रिएक्शन पॉसिबल है, एनोड पे भी दो रिएक्शन पॉसिबल है, हम लोग फिर से चेक करेंगे कि कौन से हमारे रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन अकर करेगा कौन सा नहीं। अब कैथोड पे होता है रिडक्शन, दैट मीन रिडक्शन पोटेंशियल चेक करेंगे, तो +1 से 0 +1 से 0 रिडक्शन ही दिया हुआ है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिएक्शन होगा, इसका -2.71 इसका 0.83, मतलब इससे ये वैल्यू ज़्यादा, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल चांस नहीं होने का, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। राइट, जबकि अगर मैं बात करूँ एनोड पे, तो एनोड पे हमारा होता है ऑक्सीडेशन, तो देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो गया, -2 से 0 ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो वो रिएक्शन होना चाहिए, जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसका -1.23 -1.36 मतलब ये रिएक्शन होना चाहिए, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। राइट, तो अगर मैं बात करूँ आपको प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट क्या बनेगा बेसिकली, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन है, ये वाला रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है, मतलब कैथोड पे कौन सा गैस मिल रहा होगा हम लोग को, तो कैथोड पे मिलेगा अपन को हाइड्रोजन गैस। जबकि अगर मैं बात करूँ एनोड पे कि एनोड पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो ऑन एनोड व्हाट विल बी द रिएक्शन, तो एनोड पे अगर मैं बात करूँ तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रहा, तो सीएल क्लोरीन गैस तो नहीं मिलेगा, कौन सा गैस मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। लेकिन ये चीज़ गलत है, एनोड पे हम लोग को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता है, एनोड पे हम लोग को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता है, यहाँ पे कौन सा गैस बेसिकली मिलेगा, तो यहाँ पे Cl2 गैस मिलेगा, कौन सा वाला गैस मिलेगा, Cl2। अच्छा, एनोड पे भाई ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रहा है, कौन सा गैस मिल रहा है, Cl2 गैस मिल रहा है, दैट मीन्स एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रहा है, मतलब एनोड पे एक्चुअल में इन रियल ये रिएक्शन नहीं हो रहा होगा और ये रिएक्शन हो रहा होगा, अगर हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करें तो। जबकि अगर हम लोग डाटा के हेल्प से वेरीफाई करें तो ये रिएक्शन को होना चाहिए था, क्योंकि इसका हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, इट मीन्स ये रिएक्शन होना चाहिए था। राइट, बट ये एक्चुअल में होता नहीं है, और इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ऑन एनोड ऑक्सीजन गैस इज नॉट ऑब्टेंड, ऑन एनोड डाइक्लोरीन और क्लोरीन गैस इज ऑब्टेंड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, इस वजह से ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन गैस को रिलीज होने के लिए एनोड पे क्लोरीन से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होता है, इस वजह से हमेशा हमारा जब भी हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे कभी भी ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा, कौन सा गैस मिलने वाला है, हमेशा कौन सा गैस मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। राइट, तो नोट करके एक बात को एकदम ध्यान में रख लेना है, एकदम पूरा मेमोराइज ही कर लेना है, ऑन एनोड ऑक्सीजन गैस या O2 इज नॉट ऑब्टेंड ड्यू टू ओवर पोटेंशियल वेयर एज Cl2 गैस इज ऑब्टेंड।
मतलब ऑक्सीजन गैस को रिलीज होने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से हमारा ऑक्सीजन गैस नहीं हमारा रिलीज होता है, कौन सा गैस रिलीज होता है, Cl2 गैस। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अभी हम लोग उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिंपली ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस पे कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा बट एनोड पे कभी भी ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा। एनोड पे कौन सा गैस मिलेगा, क्लोरीन गैस। वाई, ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दम ध्यान में रखना है, क्लियर। इस चीज़ को मेमोराइज कर लेना, हमेशा कभी कभी पूछ देते हैं। तो इस टाइप से तो एक्वस वाले का बहुत आसान है करना, एक वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला काउंट कर लेंगे और एक्वस NaCl केस में इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अभी तो हम लोग सारा का सारा जो भी केस कर रहे थे वो सारा का सारा हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड पे कर रहे थे, जबकि अगर मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रोड भी क्या हो जाए, रिएक्टिव हो जाए, तब हम लोग कैसे करेंगे, तो उस केस में देखिए। जैसे ये तो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल करा चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रोड भी हमारा रिएक्टिव हो जाए, इन फिर से अभी हम लोग देखते हैं एक्वस वाले के केस में रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के हेल्प से। जैसे अगर सपोज करो कि मैं आपको बोल दूं कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए एक्वस NaCl का ही यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, मर्करी इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि एक्वस हम लोगों को किस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, एक्वस NaCl का यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इस केस में अगर हम लोग बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे हमारा अभी क्या रिएक्शन हो रहा था एक्वस NaCl के केस में, कौन सा गैस हम लोग को मिला था बेसिकली, तो बेसिकली मिला था हम लोग को हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन ये वाला पॉसिबल है कि H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। जबकि अगर हम लोग बात करें एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था, तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था अभी एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो एनोड पे रिएक्शन हो रहा था हमारा ऑक्सीजन गैस वाला नहीं, क्लोरीन गैस वाला। दैट मीन्स 2Cl- माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू बेसिकली Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो प्रोडक्ट Cl2 और H2। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मर्करी का है तो न मर्करी के साथ क्लोरीन हमारा रिएक्शन शो करेगा ना हाइड्रोजन, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट बना था हम लोग को वही प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं पिछले जैसे केस में आपको कराया था कि एक्वस नहीं मोल्टेन NaCl लेता, तो यहाँ पे सोडियम मिलता और सोडियम मर्करी के ऊपर में जाकर डिपोजिट होता, दैट इज द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। कौन से चीज़ का फॉर्मेशन का केस है हमारा, दैट इज बेसिकली द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, अमलगम के फॉर्मेशन का केस है, राइट। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हमारा एक्वस NaCl नहीं करके अभी हमारा कौन सा NaCl है, दैट इज मोल्टेन NaCl है, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रॉड के हेल्प से, मर्करी इलेक्ट्रॉड के हेल्प से, यूजिंग HG मर्करी इलेक्ट्रॉड, राइट। तो जैसे ही मोल्टेन स्टेट में आ गया तो अब तो वाटर नहीं है भाई, तो अब तो सिंपली क्या चीज़ है आपका NaCl, तो NaCl तो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, मतलब Na+ में कन्वर्ट होगा, और कौन से आयन में कन्वर्ट होगा, Cl- में कन्वर्ट होगा, अरे होगा नहीं होगा, इसी में डायरेक्टली कन्वर्ट होगा। अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ कैथोड पे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, तो कैथोड मतलब निगेटिव टर्मिनल वाला, तो इस पर Na+ जा रहा होगा, तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा 1 मोल को और न्यूट्रल सोडियम में डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूँ एनोड पे, तो एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो वहाँ Cl- जा रहा होगा, तो Cl- कौन से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cl2 गैस में कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, दिस इज द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड, राइट। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में कैथोड पे कौन सा हमारा मेटल मिल रहा है, तो सोडियम मिल रहा है, एनोड पे कौन सा मिल रहा है, क्लोरीन। अब देखिए जो कैथोड है हमारा वो किस चीज़ का है बेसिकली, प्लैटिनम का, वो ऑलरेडी किस चीज़ का है, मर्करी का। अब उस पर जाकर क्या डिपॉजिट हो रहा है, तो उस पर जाकर के अब डिपॉजिट हो रहा है हमारा सोडियम, क्या डिपॉजिट हो रहा है बेसिकली सोडियम। दैट मीन्स सोडियम किसके साथ हमारा जुड़ गया, मर्करी के साथ जुड़ गया, और बना लेगा क्या चीज़ बेसिकली NaHg, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द अमलगम। ये हमारा अमलगम है, और ये कौन सा अमलगम है बेसिकली, दिस इज द सोडियम अमलगम, कौन सा अमलगम है, सोडियम अमलगम। अमलगम क्या होता है, तो होमोजेनस मिक्सचर, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, द होमोजेनस मिक्सचर
ऑफ एनी मेटल विथ मर्करी, मर्करी के साथ अगर कोई होमोजेनस मिक्सचर बनेगा तो दैट इज बेसिकली अमलगम। वही होमोजेनस मिक्सचर हमारा क्या है, अमलगम। तो हमारा कैथोड था मर्करी का, उस पर जाकर के सॉलिड सोडियम डिपॉजिट हो गया, दैट मीन्स वो दोनों मिलकर के सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन कर लेगा। जबकि एनोड भी है हमारा मर्करी का, बट वो क्लोरीन के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो डायरेक्टली उधर से क्लोरीन हमारा रिलीज हो जाएगा। राइट, यही बात समझ में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। जैसे नेक्स्ट हम लोग अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाला केस करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो एक्वस CuSO4 का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, अब देखिए एक तो CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, और वो भी मोल्टेन CuSO4 नहीं है, वो भी एक्वस है, मतलब वाटर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और साथ में हमारा इलेक्ट्रोड किस चीज़ का है, कॉपर का, मतलब वो भी इनॉट नहीं है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो अब तीन तीन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे अगर मैं सिंपली बात करूँ CuSO4 की, तो CuSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu2+SO4 2-। अगर इस सेल को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये सेल कुछ यूं होगा कि ये आपका बीकर हो गया, इस केस में आपका यहाँ पे रखा हुआ है एक्वस CuSO4, दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। ये निगेटिव टर्मिनल, तो इस पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड भी किस चीज़ का है, कॉपर का है, ये इलेक्ट्रोड भी किस चीज़ का है, बेसिकली आपका कॉपर का ही है, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, राइट। अब तो CuSO4 तो ब्रेक हुआ Cu2+ और SO4 2- में। अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँगी कैथोड पे, बेसिकली क्या रिएक्शन होगा, तो कैथोड पे अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ तो कैथोड हमारा इस केस में कैसा चार्ज होता है, तो कैथोड बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, नहीं निगेटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड निगेटिव चार्ज, तो उस पर पॉजिटिव वाला आयन अट्रैक्ट होकर के जाएगा, मतलब Cu2+ जो कि एक्वस स्टेट में है निगेटिव टर्मिनल पर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वहाँ पे हाई, तो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। एक तो कॉपर का हो गया, साथ में हमारा एक्वस CuSO4 है, दैट मीन्स वाटर भी है, तो कैथोड पे वाटर हमारा कौन सा गैस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस में, आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये भी रिएक्शन होगा, 2S2O+2 इलेक्ट्रॉन, H2O इन लिक्विड स्टेट, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हमारा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, कितना हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहा है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। तो एक रिएक्शन ये, लेकिन साथ में हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो किस चीज़ का है भाई, तो वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड भी अब रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, दैट मीन्स कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो कॉपर का वापस से एक रिडक्शन वाला एक्सप्रेशन लिखना है, रिडक्शन मतलब +2 से 0, Cu2+ एक्वस अगेन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इंटू न्यूट्रल कॉपर। ये जो हम लोग ले रहे हैं कॉपर वाला, ये इलेक्ट्रोड के लिए ले रहे हैं, राइट। तो तीन रिएक्शन पॉसिबल हो गया कैथोड पे। जबकि अगर मैं बात करूँ एनोड की, तो एनोड पे देखिए कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक से लेके इसमें एनोड कैसा चार्ज होता है भाई, तो पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस केस में एक तो सल्फेट आयन हमारा मूव करके जाएगा, तो एक तो हमारा सल्फेट आयन हो गया, राइट। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सल्फेट आयन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि एनोड पे हमारा होता ऑक्सीडेशन है, तो सल्फेट आयन का रिएक्शन तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, तो सल्फर यहाँ पे अपने पॉसिबल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जैसे ही इसके साथ कोई दूसरा स्पेसिस कन्वर्ट होने वाला रहेगा तो ये खुद कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक तो ये रिएक्शन ऐसे भी होने वाला नहीं था। दूसरा हमारा वाटर तो प्रेजेंट है ही, तो वाटर हमारा एनोड पे कौन से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस में, आपको बता चुका हूँ, पूरा रिएक्शन लिखूंगा तो कौन से 4H+ में +4 इलेक्ट्रॉन में। साथ में हमारा फिर से इलेक्ट्रोड रिएक्टिव, मतलब इलेक्ट्रोड का भी कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब कॉपर सॉलिड स्टेट में है जो इलेक्ट्रोड, वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट करेगा, Cu2+ एक्वस स्टेट में, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ये कॉपर हमारा कौन सा वाला हो गया, इलेक्ट्रोड वाला। दैट मीन्स कहने का मतलब, जैसे आपको याद होगा कि मोल्टेन स्टेट वाले में हम लोग अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को कंसीडर कर रहे थे, तो उस इलेक्ट्रोड का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला हम लोग एक्सप्रेशन काउंट कर रहे थे, तो इस केस में भी हमारा एक्वस आ गया तो वाटर वाला भी काउंट करेंगे, रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। फिर से पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, तो चाहे ये रिएक्शन हो,
ये हमारा इसमें भी कॉपर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी कॉपर ही प्रोडक्ट बनेगा, सेम रिएक्शन है, दोनों बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही है हमारा, चाहे दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो, प्रोडक्ट तो भाई कॉपर ही ना मिलेगा, तो एक ही हम लोग लिख देते हैं। इसका हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो ई नॉट सी यू टू प्लस टू सी यू इट इज बेसिकली इक्वल टू 0.34 वोल्ट, वेयरएज ई नॉट क्या चीज़ है हमारा H2O टू हाइड्रोजन गैस इट इज़ बेसिकली -0.83 वोल्ट और 86 वोल्ट आई थिंक, ठीक है -0.83 वोल्ट, हाँ 83 वोल्ट राइट। इस केस में ये रिएक्शन होना नहीं है क्योंकि सल्फर अपने पॉसिबल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर का ऑक्सीडेशन वाला, दैट मीन्स H2O टू ऑक्सीजन गैस इट इज़ बेसिकली -1.23 वोल्ट, आपको मैं बता चुका हूँ। और कॉपर का रिडक्शन प्लस टू से जीरो में है 0.34, तो जीरो से प्लस टू में इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स ई नॉट Cu2 प्लस दैट इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट राइट। अब हम लोग कंपेयर करना है कौन सा रिएक्शन होना है नहीं होना है, हम लोग को पता ही है कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो देख लेंगे कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं। हाँ जी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा वो होगा रिएक्शन, तो इसका ज़्यादा ये नहीं होगा राइट। देख सकते हैं आप इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, चेक कर लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2 से 0, 0 से +2, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ही है जिसका, ये रिएक्शन तो ऐसे भी नहीं होने वाला जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, इसका -1.23 -0.34, मतलब ये रिएक्शन होगा ये रिएक्शन नहीं होगा राइट। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ आपको प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट कैथोड और एनोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब Cu2+ इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रल कॉपर राइट। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2+ एक्वस वाला कौन से में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल कॉपर में वो कन्वर्ट हो रहा है और जाकर के कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जा रहा है न्यूट्रल वाले निगेटिव वाले पे। जबकि एनोड पे बात करूँ तो कॉपर ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ में, तो एनोड में कॉपर सॉलिड वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ एक्वस। अब एनोड के केस में देखिए कि कॉपर है क्या भाई, अरे तो एनोड ही तो है कॉपर का, पॉजिटिव टर्मिनल वाला ही तो है कॉपर का, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो लगातार टूट रहा है किस चीज़ में, Cu2+ में। दैट मीन्स इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर देता हूँ कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ, दैट मीन्स जो एनोड है वो सॉलिड कॉपर, जो कि एनोड खुद रॉड है ना सॉलिड, अरे क्योंकि इस केस में जो कॉपर है वो तो हमारा एक्वा स्टेट में है, वो ये वाला कॉपर है, तो सॉलिड कॉपर, दैट मीन्स जो एनोड है हमारा कॉपर का वही क्या हो रहा है, टूट रहा है Cu2+ में। आई बात समझ में, तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा होगा, तो एनोड लगातार ब्रेक हो रहा होगा, कॉपर वाला एनोड लगातार ब्रेक हो रहा होगा Cu2+, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में आ जा रहा होगा, और वही इलेक्ट्रोलाइट Cu2+ किस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, Cu, मतलब कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जा रहा है, कैथोड यही है तो इस पे जाकर के क्या हो जा रहा होगा, डिपॉजिट हो जा रहा होगा राइट। तो इस टाइप से रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए यही जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड है कि एक्वा CuSO4 का हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। किस चीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, माइनिंग किया, ठीक है, आप पढ़े होगे मेटलर्जी 10th में या फिर 12th में भी आप पढ़ोगे मेटलर्जी, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, मिनरल को गेन किया, सपोज कीजिए कॉपर के मिनरल को गेन किया, तो वहाँ पे प्योर कॉपर तो नहीं मिला, उसमें कॉपर के साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ गंदगी, तो उसमें से हम लोग गंदगी को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, और हम लोग वहाँ से प्योर कॉपर को गेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्योर कॉपर को आसानी से गेन कर सकते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ कैसे। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, देखिए इसी दम सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ क्या करना है, जो आपका एनोड है, इस केस में एनोड जो है ना वो हम लोग प्योरिफिकेशन के केस में क्या ले लेते हैं, एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इम्प्योर कॉपर। एनोड किस चीज़ का ले लेते हैं, इम्प्योर कॉपर, जबकि जो कैथोड है वो किस चीज़ का ले लेते हैं हम लोग, तो कैथोड जो है वो हम लोग ले लेते हैं प्योर कॉपर का, मतलब प्योरीफाइड कॉपर,
क्या होगा इससे फ़ायदा? फ़ायदा कुछ नहीं होगा। फ़ायदा देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए कि हम लोगों ने माइनिंग किया, ठीक है, अब उसमें से हम लोगों को कॉपर का मिला, ठीक है, मिनरल, और वो है हमारा क्या चीज़ है, तो उसमें बहुत सारा गंदगी है, बहुत सारे इंप्यूरिटीज़ हैं, दूसरे केमिकल स्पेसीज ये सब प्रेजेंट है। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ गेन करना है मेरे को क्या चीज़, प्योर कॉपर गेन करना है। हम लोग क्या करेंगे, एनोड जो बनाएंगे ना इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो कॉपर सल्फेट जो प्योर कॉपर सल्फेट है उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे एक्वास स्टेट वाला, और उसके इसमें क्या करेंगे हम लोग कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लेंगे। लेकिन वो जो इलेक्ट्रोड होगा कॉपर का, उसमें से जो एनोड है ना, वो जो हम लोगों ने कॉपर गेन किया, जो इम्प्योर कॉपर था 100% प्योर नहीं था, उस इम्प्योर कॉपर को हम लोग क्या बना लेंगे, एनोड। जैसे सपोज करो कि ये आपका जो मार्कर है ये आपका इम्प्योर कॉपर है, राइट, इसमें और भी बहुत सारे केमिकल स्पेसिस प्रेजेंट हैं, इसको हम लोगों ने बना दिया एनोड, राइट, जबकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका प्योर कॉपर है, तो इसको मैंने बना दिया कैथोड। प्योर कॉपर को कैथोड बना देना है, मतलब कॉपर हमारा प्योर लेकर के इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हो, जबकि इम्प्योर जो हम लोग गेन किए उसको एनोड। क्या इससे फायदा होगा कि एनोड पे एक्चुअल में इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही करेंगे तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो एनोड पे कॉपर सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+। एनोड का जो कॉपर है, जो कॉपर हमारा एनोड बनाया हुआ है, तो हम लोग का जो एनोड है वो कैसा है, इम्प्योर कॉपर, तो इम्प्योर कॉपर का हम लोग एनोड बना रखे हैं, उसमें का कॉपर किसमें लगातार टूटने लगेगा, Cu2+ में, तो हम लोग इम्प्योर कॉपर ले रखे हैं, तो उसमें जो भी कॉपर एकदम प्योर कॉपर होगा इम्प्योरिटी को छोड़ करके, वो सारा का सारा प्योर कॉपर किसमें कन्वर्ट होने लगेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, Cu2+ में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जो भी प्योर कॉपर है वो इलेक्ट्रोलाइज होकर के यहाँ पे हमारा टूट रहा होगा, मतलब Cu2+ में, बाकी जो इम्प्योरिटी, तो कोई दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा केमिकल स्पेसीज है, जैसे ही हमारा उसमें से प्योर कॉपर निकलता चला जा रहा है, क्योंकि कॉपर ही ना सिर्फ Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, सारा का सारा इम्प्योरिटी क्या होगा, नीचे आकर के कंटेनर में यहाँ पे क्या करने लगेगा, सेटल डाउन करने लगेगा, कोई दूसरा मेटल होगा, कुछ भी होगा, उससे क्या होगा, तो ये रिएक्शन। तो इम्प्योरिटी में से, इम्प्योर कॉपर में से जो प्योर कॉपर होगा दैट एनोड का, वो टूटने लगेगा किस चीज में, Cu2+ में, और वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, राइट, तो वो इलेक्ट्रोलाइट में आ गया। और कैथोड पे क्या हो रहा है, वही इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वही Cu2+ क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड में जाकर के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो यही Cu यहाँ पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये प्योर कॉपर का है, तो इस पे और जाकर के प्योर कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो सारा का सारा एक जगह हम लोग को प्योर कॉपर मिल गया, जबकि एनोड जो था वो इम्प्योर कॉपर का था, तो एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर का था, तो उसमें से जो प्योर कॉपर था वो Cu2+ में टूट कर किधर आ गया, इम्प्योरिटी आकर के नीचे गिर गया। इस वजह से, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपर को आसानी से प्यूरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जब कभी भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जब कभी भी हम लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रॉड को ले लेते हैं, अगर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट का ऑक्सीड एनोड कैथोड पे रिएक्शन, एक वाटर का एनोड कैथोड पे रिएक्शन, एज वेल एज एक किस चीज़ का एनोड कैथोड पे रिएक्शन, तो एक हमारा किस चीज़ का एनोड कैथोड पे रिएक्शन हो गया। तो अगर हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड हमारा रिएक्टिव है, तो उसका भी एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखते हैं। और एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड इज बेसिकली यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर, और इम्प्योर कॉपर को कैथोड एनोड बना देना है, और प्योर कैथोड कॉपर को क्या बना देना है, कैथोड, तो अपने आप ये हो जाएगा। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे। तो अब आप किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो, चाहे वो मोल्टेन हो, इनर्ट इलेक्ट्रॉड के साथ हो, रिएक्टिव इलेक्ट्रॉड के साथ हो, एक्वस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको होप समझ में चीज़ें आ रही होंगी। एक लास्ट हम लोग केसेस कर लेते हैं एसिड्स का इलेक्ट्रोलिसिस का, राइट। चलिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस पे किए हैं, होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपके NCERT SM में भी और भी इलेक्ट्रोलाइसिस है कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा और नहीं बनेगा, तो वो सारा आप खुद से करके देखोगे। अब हम लोग एक दो केस देख लेते हैं एसिड्स का। जैसे हम लोग करते हैं, जैसे एसिड में ऐसा थोड़ी होता है मोल्टेन एसिड, एक्वस एसिड नहीं, एसिड हमारा दो होता है ना, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। देखिए सिंपली मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस करना है डाइल्यूट H2SO4 का। नाम से ही क्लियर है, कंसनट्रेटेड H2SO4, दैट मीन्स वाटर का अमाउंट नेग्लिजिबल, दैट मीन्स इधर में हमारा वाटर का अमाउंट नेग्लिजिबल, मतलब नहीं के बराबर में, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है H2SO4, तो सिर्फ और सिर्फ H2SO4 है, टूट जाएगा किस चीज में, 2H+ SO4-2 में, राइट।
जबकि इस केस में देखेंगे तो हम लोग का क्या चीज है, डाइल्यूट H2SO4, मतलब इस केस में क्या है हमारा वाटर भी है और साथ में क्या चीज है H2SO4 भी है। तो H2SO4 हमारा टूटेगा किस चीज में, तो ये टूटेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और वाटर का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब जैसे ही वाटर आ गया तो वो भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस करेगा। तो अगर मैं बात करूँ कैथोड पे, तो कैथोड पे दो चीज का चांस है हमारा, कैथोड होता है निगेटिव टर्मिनल, तो एक तो 2H प्लस, तो 2H प्लस क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और एक हमारा क्या चीज है वाटर, तो वाटर भी क्या चीज है 2H2O, ये भी दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और कौन से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस। अब रिएक्शन चाहे ये हो चाहे ये हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा कैथोड पे, तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, क्या बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। लेकिन हमको डिसाइड तो करना पड़ेगा सेल के रिएक्शन लिखने के लिए कौन सा एक्चुअल में होगा। ये देखिए ये एच प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में, मतलब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वाला केस है ना, तो ये है इनोट हो गया, एच प्लस इज कन्वर्टिंग इन टू एच टू गैस और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट रहता है, पढ़ चुके हो। और इसका हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि एच टू ओ से H2 माइनस 0.83 वोल्ट, कौन वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये रिएक्शन होगा ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन चाहे कोई भी हो प्रोडक्ट तो हमारा हाइड्रोजन गैस ही बना, राइट। जबकि अगर एनोड पे रिएक्शन लिखने की मैं कोशिश करूँ तो एनोड पे हमारा होता है कैसा चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, तो एक तो सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि साथ में वाटर भी तो प्रेजेंट है, तो वाटर ऑक्सीडाइज आसानी से कर जाएगा कौन से गैस में ऑक्सीजन गैस में, प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, मतलब ये रिएक्शन तो ऐसे भी होने वाला नहीं है, ये रिएक्शन होने वाला है। तो प्रोडक्ट आपका क्या मिल गया, तो कैथोड पे मिल गया हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिल गया ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यही हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो डाइल्यूट के केस में क्या करना है, वाटर को भी कंसिडर करने को है। जबकि अगर कंसंट्रेटेड के केस में देखें, तो कंसंट्रेटेड के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया कैथोड पे रिएक्शन, ये हो गया एनोड पे रिएक्शन, तो कंसंट्रेटेड है दैट मीन्स वाटर का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला हम लोग नहीं चेक करेंगे, सिर्फ इसी का चेक करेंगे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा गैस बना लेगा हाइड्रोजन गैस, वाटर का तो साथ में लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वाटर तो है नहीं कंसंट्रेटेड एसिड है ना जी। सेकेंड है सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, यहाँ पे तो इसको भाई ऑक्सीडाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई अगर वाटर ये सब होता तो वो हो जाता, ये नहीं होता, तो ये हमारा आपको मैं बता चुका हूँ कि 2SO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है S2O2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर में हमारा प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कैथोड पे मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे सल्फेट आयन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा परोक्सी डाइसल्फेट आयन में, राइट। तो कुछ नहीं है, मतलब एसिड्स का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एसिड्स के इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, नहीं लेकर के चलेंगे, जबकि अगर हमारा डाइल्यूट एसिड्स होंगे तो उसमें हम लोग वाटर का कंसंट्रेशन को कंसिडर करके चलेंगे, राइट। तो वाटर भी ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा। तो इसी के साथ हम लोग ने डिफरेंट केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस किया, उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया जो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रीफ में, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड एसिड्स का। मोल्टन वाले में भी हम लोगों ने दो केस किया, एक हम लोग इनोट इलेक्ट्रोड के साथ, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ। एक्वस वाले में भी हम लोगों ने दो केस किया, एक इनोट इलेक्ट्रोड के साथ और एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ। बाकी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। एसिड के केस में भी दो केस किया, एक कंसंट्रेटेड एसिड के लिए और कौन से एसिड के लिए, डाइल्यूटेड एसिड के लिए। तो इसी के साथ हम लोग जितना भी इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करना है पढ़ना है वो सारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे नहीं करेंगे ये सारा मैं आपको समझा चुका, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, मतलब प्रोडक्ट क्या चीज फॉर्म करेगा नहीं फॉर्म करेगा वो सब भी आपको सारा कुछ अच्छे से समझा चुका हूँ, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।